दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि मोनेटाइजेशन इनेबल होने के बाद आपको ये गलतियां नहीं करनी है। जो कौन सी गलती आप करोगे तो आपका मोनेटाइजेशन डिसेबल फिर से हो सकता है हमेशा के लिए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आप ऐसी कौन सी गलती नहीं करनी है अगर आपका मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया है या फिर अगर रिव्यू में चल रहा है लेकिन इनेबल होने के बाद आपको ये गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक पूरा देखिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर चलिए जानते हैं। सबसे पहली गलती है कि आपको अपना खुद का वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखना है और न ही अपने वीडियो के ऐड पर क्लिक करना है। अगर कमेंट का रिप्लाई देना है तो आप प्ले स्टोर से YT स्टूडियो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप आसानी से कमेंट का रिप्लाई दे पाओगे। अगर आप बार बार अपने वीडियो को ओपन करके देखोगे तो YouTube को लगेगा कि ये बंदा खुद अपने ऐड पर क्लिक करने के लिए, अपना वॉच टाइम बढ़ाने के लिए, अपने अर्निंग करने के लिए बंदा अपने ऐड पर क्लिक करने के लिए ये सब कर रहा है, तो आपका मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाएगा। और नहीं अपने पड़ोसी किसी दोस्त से या फिर भाई के फ़ोन से भी आपको अपने एडवर्टाइज पर क्लिक करवाना है, क्योंकि आपका IP एड्रेस YouTube को सब पता है। आपके जो पड़ोस में होता है जब वो क्लिक करता है तो YouTube को मालूम पड़ जाता है कि ये बंदा खुद क्लिक करवा रहा है, तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। दूसरी गलती ये है कि अगर आपकी CTR अगर 10% से ज़्यादा हो तो आपको अपना मोनेटाइजेशन उस वीडियो का डिसेबल कर देना है जिस वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, या फिर अगर आपका कोई हेटर है और आपके ऐड पर ज़्यादा क्लिक करता है तो आपका CTR परसेंटेज बढ़ जाता है। और जब CTR परसेंट करीबन 15 के आसपास चला जाता है तब आपका मोनेटाइजेशन डिसेबल होने का खतरा होता है। और आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका CTR कैसे कितना है, तो मैंने इसके लिए वीडियो बनाया हुआ है, आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप देख लेना बाद में। लेकिन ये ज़रूर याद रखना कि CTR हमेशा 1, 2, 3, 4, 5% तक ही ठीक है। इसके ज़्यादा जाने के बाद, लगभग 10 से आगे जाने के बाद आपका एडसेंस अकाउंट डिसेबल होने का खतरा है। और जब एडसेंस अकाउंट ही डिसेबल हो जाएगा तो भी साथ में आपका मोनेटाइजेशन भी हमेशा के लिए डिसेबल हो जाएगा। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपके कोई हेटर्स है ऐसा कर रहे हैं तो आप YouTube को मेल कीजिए और उनको बताइए कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तीसरी गलती दोस्तों आपको ये नहीं करनी है कि अगर आपका मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया है तो फिर आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि भाई मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया है, अब हमें किस बात का डर नहीं है, तो आप दूसरों के वीडियो उठा उठा के अपने चैनल पर अपलोड करते रहेंगे तो फिर से आपका मोनेटाइजेशन डिसेबल हो सकता है। तो बिल्कुल भी आप दूसरों के कॉपीराइट कंटेंट बाद में भी यूज़ मत करना, वरना हमेशा के लिए आपका मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाएगा। चौथी गलती दोस्तों ये है कि अगर आपने अपना यूट्यूब चैनल एक एडसेंस अकाउंट से लिंक कर रखा है तो आप उसी एडसेंस अकाउंट को दो चैनल से कभी मत लिंक करना। अगर इससे क्या नुकसान है आपको कि समझ लो एग्जाम्पल किसी एक चैनल पर इनवैलिड एक्टिविटी या फिर इनवैलिड क्लिक की वजह से आपका एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो गया तो फिर दोनों चैनल का मोनेटाइजेशन आपका डिसेबल कर दिया जाएगा। तो फिर आप हमेशा के लिए एक गलती की वजह से दोनों चैनल को ये गलती भुगतनी पड़ेगी। इसलिए हमेशा आप अपने फैमिली के मेंबर के नाम से आप अलग अलग एडसेंस अकाउंट बना सकते हैं और उस एडसेंस से लिंक कर सकते हैं अलग अलग यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की इस वीडियो में जो था मैंने बता दिया आपको कि मोनेटाइजेशन इनेबल होने के बाद ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा।